पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे योगी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ठगनी कह दिया। योगी के मंत्री सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गिनाते हुए कहने लगे कि माया तो वैसे भी लोगों को ठगती है। हमारे वेदों में कहा गया है कि माया तो बहुत बड़ी ठगनी है। वैसे माया के बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। और दूसरी बात ये, जो माया, ममता और बाबू ये सब जो मिल रहे हैं, ये महा ठगबंधन बन रहा है। ये मोदी जी की आंधी को रोक नहीं पाएंगे। भाजपा 400 के पार सीट आएगी और शुरुआत से कांग्रेसियों का हाथ भ्रष्टाचार और आतंकवाद के साथ रहा है। अब माया तो वैसे भी लोगों को ठगती है, ऐसे भी हमारे वेदों में माया के बारे में कहा गया है। माया बहुत बड़ी ठगनी है और माया के बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। और दूसरी बात, ममता, माया और बाबू ये सब लोग जो मिल रहे हैं, ये जो महा ठगबंधन बन रहा है, ये मोदी जी की आंधी को रोक नहीं पाएगा। 400 के पार मोदी जी जाएंगे और फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी के सभी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव में रहेंगे। और सब लोग मिल करके ये जितनी नापाक ताकतें हैं इनका सबका पर्दाफाश करेंगे, भ्रष्टाचारियों को किनारे लगाएंगे, राष्ट्रवादी आगे बढ़ेंगे। और जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है, जनता मोदी जी के साथ है और जनता ही जनार्दन है। जो जनता मोदी जी के साथ है, पूरा देश मोदी जी के साथ है और इसलिए निश्चित रूप से मोदी जी 2019 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस को मांग करने की जरूरत क्या है? कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है, पूरी पार्टी एक परिवार में समाहित है और अंतिम युद्ध वो लोग लड़ रहे हैं अपने जीवन का मोदी जी के सामने। और इसलिए हर परिवार के सदस्य को, और कोई जमानत पर छूटा हुआ, कोई जमानत के लाइन पर है, भ्रष्टाचार को सर पर ढोते हुए वो लोग लड़ने के लिए अगर आतुर हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आपत्ति है? भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई भी पोस्टर लगाए, कोई भी लड़े, मोदी जी के आदमी के सामने सब गायब हो जाएंगे। महान दल के लोगों ने इसलिए कहा होगा कि पाकिस्तान के बारे में अक्सर सहानुभूतिपूर्वक कांग्रेस बात करती रहती है, आतंकियों के बारे में करती रहती है। और इसलिए हो सकता है महान दल के लोगों को लगा हो कि कांग्रेस के पास कोई है नहीं, हो सकता पाकिस्तान से लोग आकर के लड़ाए, इसलिए कहा होगा। हमको तो ऐसा ही कुछ लगता है। अब बाकी तो महान दल के लोग बताएंगे कैसा उन्होंने क्यों कहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात जरूर लगती है कि कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में बात करती रहती है, सहानुभूतिपूर्वक बात करती रहती है, इसलिए उन्होंने कहा। सर, लेकिन जब राजबब्बर जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो है आडवाणी जी की तरफ इशारा करते हुए इसका जवाब दिया। राजबब्बर जी के तो बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको करेक्टर भी फिल्मों में कैसा मिलता था, आज भी उनको कैसा मिलता है।